बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वज़ीरे ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब के हवाले से हम क्या कहें, जब उनकी अपनी जमात में ही उनके हवाले से बहुत सी बातें होती रहती हैं, लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मिफ्ताह इस्माइल साहब ने अब तो कमाल ही कर दिया है। चलें, कम अज़ कम उन्होंने कुछ सच तो बोला। वो ये कहते हैं कि अब हमारे दोस्त ममालिक भी हमें कर्ज़ नहीं दे रहे, और जिससे कर्ज़ मांगो वो कहीं आगे भेज देता है कि जनाब उससे जाकर मांगो। अब हमें कर्ज़ हासिल करने में बड़ी मुश्किलात का सामना है, ये मिफ्ताह इस्माइल साहब कह रहे हैं। अच्छा, ज़्यादातर वो वजूहात नहीं बता रहे कि आखिर क्या वजह है। अंदर की खबर मैं आपको बताऊंगा क्यों इस हुकूमत पर कोई उस तरह से इतबार करने को तैयार नहीं है। IMF की तमाम शराइत मान भी ली, उसके बावजूद अब ये कह रहे हैं हमें कर्ज़ की ज़रूरत है, और वो ममालिक जो हमेशा हमें मदद दे देते थे आज वो मदद फराहम नहीं कर रहे, और फिर कहते हैं जी हमें शर्म भी आती है, कर्ज़ मांगना भी मुश्किल हो गया, फिर कर्ज़ मांगते हुए शर्म भी आती है। शर्म इसलिए आ रही है, अगर आपको शर्म आ रही है तो फिर आप मांगते फिर भी रहे हैं, और फिर आप ख़ुद कह रहे हैं कि अब वो कर्ज़ ही नहीं दे रहे। किसी से कर्ज़ मांगो, वो कहता है जी उससे मांगो, उधर जाओ। सऊदी अरब से कर्ज़ मांगा तो उन्होंने कहा पहले IMF के पास जाओ, उसकी शराइत पूरी करो, हमारे लिए और मसला हो गया। अब ये शिकवा शिकायत कर रहे हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने कुछ इस तरह के राज खोले हैं कि जनाब अब ये कर्ज़ की सहूलियात मिलने में बड़े मसाइल हैं। अब इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि जनाब इन्होंने अब कर्ज़ तो मिल नहीं रहा उस तरह, तो किया क्या है। कुछ दोस्त ममालिक हैं जनाब, जिस तरह सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, UAE हो गया, अब इन्होंने कहा कर्ज़ छोड़ो, तुम हमें अपने असासे बेचो। अब शेयर्स ख़रीदने में जनाब इंटरेस्टेड हैं, उसके लिए स्पेशल कानून साजी कर दी गई है कि कोई नहीं पूछेगा, हुकूमत से कोई नहीं पूछ सकता आपने क्यों बेचा, कैसे बेचा, कितने में बेचा, किस तरह बेचा, और कहीं अदालत में नहीं पूछा जा सकता। अब दिलचस्प बात यह है कि जिन जिन ममालिक में मौजूदा PDM में इस हुकूमत में शामिल जो लोग हैं, जिनके वहाँ पर कारोबार भी हैं या रहे हैं, या ये कहते हैं कि अब नहीं है लेकिन माजी में तो रहे हैं, माजी में मानते हैं अब भी हैं, उनके कारोबारी रवाबित लाजमी हैं इन ख़ानदानों से, उन्हीं को ये बेच रहे हैं। PSU से लेके OGDCL तमाम जो स्टेट इंटरप्राइज ऐसी जो कहीं मुनाफा कमाती हैं, बाकी तो ज़ाहिर आपको पता है सब खसारे में हैं। स्टील मिल से लेके बाबडा आप देख लें, रेलवे देख लें, इनके कौन खरीदेगा शेयर। जो प्रॉफिट में है, जो इस मुल्क में अब कमाऊ पूत बच गए हैं, उनको बेचा जा रहा है, और इन्हीं ममालिक को बेचा जा रहा है, क्योंकि वो कर्ज तो दे नहीं रहे। वो कहते हैं बेचना है तो बेचो, कर्ज अब नहीं मिलेगा, और उसी पर ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब आप देखिए कि नुसरत जावेद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने खुद ये टेलीविज़न पर बैठ कर ये बात बताई कि वो हाल ही में एक तकरीब में गए और वहाँ पर उनकी कुछ डिप्लोमेट से मुलाकात हुई, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये खबर निकलवाई, और जाहिर है कि अब उन्होंने नाम तो उस तरह नहीं लिए, लेकिन बता दिया कि वो दोस्त ममालिक जो हमेशा से हमें कर्ज़ देने को तैयार होते थे, हमेशा हमारी मदद को आते थे, अब वो हमारी मदद नहीं कर रहे या करना नहीं चाह रहे। ये दो डिप्लोमेट्स ने बात बताई, और बकौल उनके कि जी इस हुकूमत का तो पता ही कुछ नहीं है, कब है, कब तक है, इसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, किस तरह चलेगी, और जो रिजीम चेंज वाले हैं वो कब तक सपोर्ट करेंगे, क्या होगा, कुछ पता नहीं। तो ऐसी हुकूमत के साथ हम किस तरह से कोई लॉन्ग टर्म कोई प्लान बना लें या कुछ कर लें। अब उसके बाद क्या होता है कि जनाब आर्मी चीफ को फ़ोन करने पड़ते हैं, अमेरिका से लेकर सऊदी अरब, UAE आर्मी चीफ फ़ोन कर रहे हैं कि जनाब मदद कर दें, इस हुकूमत की मदद कर दें, कुछ कर दें, और उस पर भी मुफ्ता साहब कहते हैं जी हमें फ़ोन करवाने पड़ते हैं, हमें आर्मी चीफ से फ़ोन करवाने पड़ते हैं, खुद मान रहे हैं कि इनकी कारकर्दगी 0/0 है, कुछ नहीं अभी तक कर सके, यानी कर्ज का हुसूल भी वो कह रहे हैं जी इसलिए मुश्किल हो गया, फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही इनकी। अब इस वजह से दोस्त ममालिक भी कर्ज देने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि इस हुकूमत का पता कोई नहीं, इनकी पॉलिसीज का कुछ नहीं पता। उसकी चंद मिसालें आपके सामने मैं रख रहा हूं। अभी इन्होंने कहा जी दुकानों पर हम टैक्स लगा रहे हैं, जी वो हर दुकान लाख रुपए तो कमाई लेती है ना, 3000 रुपया छोटी से छोटी दुकान पर लगा दिया जी टैक्स। अब कह रहे हैं मुझे गलती हो गई। आप मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान जिस तरह की सूरत हाल से दोचार है, जो मुआशी मसाइल इस वक्त हुकूमत को दरपेश हैं, मुल्क को दरपेश हैं, उसमें आपके पास इस तरह की गलती की गुंजाइश है? एक दिन आप एक कानून पास करते हैं, दूसरे दिन कहते हैं जी गलती हो गई, वापस ले रहे हैं, आज ही हम ये टैक्स लगा रहे हैं, आज ही हम वो टैक्स लगा रहे हैं, अब उसमें रद्दबदल कर रहे हैं, पहले आते ही जनाब तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, हम फलां चीज़ पर भी टैक्स कम कर रहे हैं, फिर दोबारा लगाए। तो क्या आप समझते हैं इस तरह कोई भी इन्वेस्टमेंट आएगी मुल्क में, जहाँ पता ही नहीं, एक दिन आप कहते हैं फलां को टैक्स माफ़ है, अगले दिन कहते हैं नहीं IMF नहीं मान रहा टैक्स लगा दो, दूसरे दिन कहते हैं यहाँ पर हम टैक्स लगा रहे हैं, तीसरे दिन कहते हैं नहीं हम ये टैक्स वापस ले रहे हैं, कोई पॉलिसी ही नहीं है, सुपर टैक्स लगा रहे हैं जी, फलां कर रहे हैं जी, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उस पर टैक्स लगा रहे हैं,
अच्छा फिर कहते हैं खुद मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं महंगाई मेरा मसला ही नहीं है, ग्रोथ मुल्क को तरक्की देना माशी तरक्की हासिल करना ये मेरा मसला ही नहीं है, मेरी तवज्जो ही नहीं है। तो फिर आप करने किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, टॉफियां बेचने आए हैं? नूर आलम जैसा बंदा, आप सोचिए ना कि वो बंदा भी अगर ये कह रहा है कि जी आप टॉफियां ही बेचें फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को, तो क्या हाल होगा? इसके साथ आप देखिए महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, लोड शेडिंग अभी तक इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, यानी कितनी दफ़ा ये डेडलाइंस दे चुके, यकुम मई को जनाब लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, अब जी 15 दिन में खत्म हो जाएगी, अब जी ईद के बाद खत्म हो जाएगी, कोई लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही इनसे, सिर्फ दावे हैं। कहीं कहीं हमें सच नज़र आ जाता है कि जनाब दोस्त ममालिक हमारी मदद नहीं कर रहे। तो फिर ऐसी क्या बात थी अगर सिर्फ, अब कहते हैं ना जी वो आर्मी चीफ बड़ी मदद करते थे जनाब, एस्टैब्लिशमेंट बड़ी मदद करती थी इमरान खान की, तो फिर वो तो आपकी भी मदद कर रहे हैं, तो उस तरह का रिजल्ट फिर क्यों नहीं आ रहा? क्या ये वजह है कि वो ममालिक भी समझते हैं, सऊदी अरब यूएई जैसे ममालिक भी, कि जी इमरान खान एक पॉपुलर लीडर पाकिस्तान में है, उनको भी नज़र आ रहा है, यानी उनको भी नज़र आ रहा है कि ये जो सारे 13 लोग 13 जमातें बैठी हैं ये महलाती साजिशों से आकर बैठी हैं। वो जाता है अवाम में, आप देखिए ना खुद ये क्या कहते हैं, हमें तो लाया गया है, हमें तो कहा गया आ जाओ, यानी अवाम की ताकत पर नहीं आए, हमें कहा गया हम आ जाओ, हमें कहा गया तो हम आ जाएंगे, जब इशारा होगा नवाज शरीफ से वापस आ जाएंगे, ये सिर्फ कहा गया पर चलते हैं, डील्स पर चलते हैं। इमरान खान आप देखिए 13 और 14 अगस्त की रात भी कहा जा रहे हैं, अवाम में जा रहे हैं, वो अवामी ताकत, तो इनकी भी एम्बेसीज हैं और इनकी भी एम्बेसीज इनको रिपोर्ट करती हैं कि पाकिस्तान में कौन सा लीडर पॉपुलर है, वो लीडर जो 9 के 9 हल्कों में जनाब इलेक्शन लड़ने जा रहा है, जिससे ये जमातें भाग रही हैं, उनको भी पता है कि अवाम किसके साथ है। तो वो ममालिक भी थोड़ा सा फिर ऐसी जो अनपॉपुलर गवर्नमेंट हो उससे उस तरह तो आकर नहीं मिलते, उस तरह तो नहीं उनसे मामलात करते, हत्ता कि आप देखें ना कि जिसको एब्सोल्युटली नॉट कहा वो अमेरिका भी अपने एम्बेसडर को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में भेजता है, अब उस पर भी प्रोपेगेंडा, वो पूरे हमारे जनाब क्या कहें सीनियर सहाफ़ी, वो एक ही तस्वीरें हैं 2-3 वो चलती हैं जनाब मीडिया सेल से और वो फैलती हैं जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में फैल रही हैं, और वही सारा कुछ ये वो, भाई किसने कहा है कि अमेरिका से जंग करनी है या अमेरिका के एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकाल देना है या उससे मिलना किसी ने नहीं है, सरकारी स्तर पर उससे कोई ताल्लुकात नहीं रख सकते, किसी ने नहीं कहा, गुलामी नहीं हो सकती ताल्लुक। इमरान खान ने कब कहा कि जनाब हम तो अमरीका से दुश्मनी, एक दफ़ा भी उन्होंने नहीं कहा कि जी दोस्ती सबसे, गुलामी किसी की नहीं, अपने मुल्क के मफाद में हम जो होगा करेंगे। अब उस पर ऐसे जनाब जैसे प्रोपेगेंडा, ये कर दिया वो कर दिया, तो क्यों? क्योंकि सबको पता है कि इमरान खान पॉपुलर लीडर है, हर कोई उसकी तरफ जाना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, तो ये हुकूमतें भी समझती हैं कि इमरान खान आएंगे, पॉपुलर लीडर कोई आएगा तो उससे मामला ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सकते हैं, उसके साथ हम आगे बेहतर तरीके से मामला को लेकर आगे बढ़ा सकते हैं। आप देखिए सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों की तादाद जिस मुल्क में रहती है वो सऊदी अरब है, क्या उनको नहीं पता कि वो ममालिक या पाकिस्तानी जो वहाँ रह रहे हैं वो किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? सऊदी अरब में आपको याद है इमरान खान साहब ने नोटिस लिया था और पूरा अमला ही जो बड़े यानी अफसर थे वहाँ के एम्बेसी के सऊदी में जो पाकिस्तानी एम्बेसी थी वो सारे फारिग कर दिए थे क्योंकि वो पाकिस्तानियों की शिकायत नज़र आ रही थी उसमें। तो इमरान खान साहब सऊदी अरब में ओवरसीज़ पाकिस्तानी में यानी पाकिस्तान से भी ज़्यादा पॉपुलर हैं, इस ये बात तो ये खुद PDM वाले भी मानते हैं और इसीलिए उनका सियासत में या अवामी सतह पर मुकाबला नहीं हो रहा, साजिशें उनके खिलाफ हो रही हैं। अब मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से क्या बताऊं, बस जल्दी जल्दी चंद चीज़ अर्ज कर देता हूं। इसहाक डार बमुकाबला मिफ्ता इस्माइल, ये मुकाबला अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा, ये एक आर्टिकल आपने देखा जो इसहाक डार साहब ने मुबैन तौर पर छुपाया और उसको फिर रीट्वीट उन्होंने खुद ही किया था उस आर्टिकल को, उसमें लिखा था मिफ्ता इस्माइल जैसे लोग जब वज़ीर ख़ज़ाना बना दिए जाएंगे इसहाक डार को इग्नोर किया जाएगा तो फिर मुल्क का बेड़ा गर्क ही होगा, अगर मईशत तबाह करनी हो तो मिफ्ता इस्माइल जैसे लोग काफ़ी हैं, ये बात आपने देखा इसहाक डार साहब ने ट्वीट की थी और ये सारा कुछ चल रहा था, वो आज तक मामला नहीं रुक रहा। जो मिफ्ता इस्माइल मरियम साहबा के ट्विटर हैंडल के जरिए चलेगा, जो वज़ीर ख़ज़ाना मरियम नवाज़ साहबा के ट्विटर हैंडल पर चलेगा उसका क्या होगा कि मिफ्ता साहब, मिफ्ता भाई प्लीज़ लुक इनटू दिस, मिफ्ता साहब जनाब हाजिर जनाब, वो हो जाता है मिफ्ता भाई ये देखें ये लोग टैक्स पर ये कह रहे हैं जनाब इस तरह कर लें, तो कोई गवर्नमेंट किस तरह से फिर वर्क कर सकती है, कोई वज़ीर ख़ज़ाना उसको कौन मानेगा जो इस तरह की हरकतें करेगा? तो अभी नज़र ये आ रहा है कि इस हुकूमत की अब तक कोई डायरेक्शन, कोई समत, कोई पॉलिसी नहीं है। अभी तक ये जिस काम के लिए आए थे, अपने केसेस ख़त्म करने आए थे, वो इन्होंने बड़ी तेज़ी से किए हैं और जो अपना इलेक्शन ये सीधा करना चाहते थे ओवरसीज़ का वोट ख़त्म करके वो उन्होंने किया, लेकिन उसके बावजूद इनसे इलेक्शन अभी तक मैनेज नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलने के बावजूद, तो ये बड़ी मुश्किल में है। इकॉनमी मईशत वो खुद कह रहे हैं हमारा मसला ही नहीं था, मईशत तो ठीक करना
ये महंगाई कम करना, वो सब झूठ था, महंगाई में कहो कहते हैं वजीर ख़जाना के अल्फाज हैं, आप देख लीजिए उनके जुमले हैं कि जी महंगाई मेरा मसला नहीं, मेरी तवज्जो महंगाई पर है ही नहीं और ना ही मुल्क की ग्रोथ पर, यानी माशी तरक्की पर। माशी तरक्की होगी तो रोज़गार मिलेगा, ना रोज़गार पर तवज्जो है ना महंगाई कम करने पर तवज्जो है, ये वो खुद कह रहे हैं। जिस काम पर तवज्जो थी उस पर वो तवज्जो रखे हुए हैं, अपनी डीलों पर तवज्जो। और वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वही दोस्त ममालिक जो हमें कर्ज़ दिया करते थे, आज कह रहे हैं बेचो अपने असासे, और वो ख़रीदने के लिए तैयार हैं। सबको पता है वो तो बड़े मुनाफे का सौदा है वो तो, लेकिन उन्हीं ममालिक को बेचा जा रहा है जहाँ कारोबारी रवाबित है। अंदाज़ा लगाइए आप, ये सारा कुछ हो रहा है और शायद आने वाले वक्तों में ये चीज़ें खुलकर सामने आएंगी कि किस तरह से क्या क्या डील की गई, किस तरह से मुल्क के असासे बेचे गए। अल्लाह हाफिज़।